ऐसे ही आप देखें मजालिम में बहुत सारी शक्लें, आज लेन देन का मसला, रहन का, रहन सहन का मसला, बिजनेस और तजारत का मसला, मामलात का मसला। मेरे भाइयों, एक आम बलवा है समाज का कि एक आदमी तजारत और बिजनेस में बाज़ दफ़ा ऐसी ऐसी चीज़ें मजालिम की रूनमा होती हैं कि एक आदमी किसी का हक दबा लेता है, किसी की ज़मीन गसब कर लेता है, किसी का माल गसब कर लेता है। ये चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, मन इक्तता हक्कम रिन मुस्लिमिन बेअमीनी, जो आदमी किसी मुसलमान के हक को गसब कर लेता है, किसी मुसलमान की किसी चीज़ को गसब कर लेता है, फ़कद औजब अल्लाहु लहु नार, तो अल्लाह उसकी वजह से उस पर जहन्नम को हलाल कर देता है, वाजिब कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला वहर्रमा अलैहिल जन्नत, और अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है। आप देखें, इसीलिए आप देखें, सहाबे किराम ने पूछा, एक शख्स ने खड़े होकर के पूछा कि अल्लाह के नबी, व इन काना शैअन यसीरन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी क्या अगर वो मामूली सी चीज़ हो तब भी इतनी बड़ी सज़ा उसे मिलेगी कि जन्नत उसके लिए हराम और जहन्नम में उसे दाखिल कर दिया जाए, वाजिब कर दिया जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन काना कज़ीबम मिनन नार, अगरचे वो पीलू के मिसवाक की एक लकड़ी ही क्यों ना हो, अगरचे वो पीलू का एक मिसवाक ही क्यों ना हो, अगर इतनी सी चीज़ भी खयानत किया है एक आदमी ने, इतनी सी ज्यादती किया है और जुल्मन किसी की चीज़ को ले लिया है, तो उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को उसके ऊपर वाजिब कर देगा और जन्नत को उसके ऊपर हराम कर देगा। आप अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों, इस हदीस की रोशनी में कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के मामले में बंदों के हकूक़ को जब्त करने और ज़ाय करने के मामले में इस हद तक अल्लाह के नबी ने ताकीद फरमाई है कि अदना दर्जे की चीज़ को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवारा नहीं किया।